उठ गई आप। मैं जानता हूं ये घर ये कमरा आपके काबिल नहीं है, लेकिन लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो। चले जाओ यहां से, अकेला छोड़ दो मुझे। हाँ ठीक है, लेकिन किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं बाहर ही मौजूद हूं, या आप अम्मी से भी कह सकती हैं। जहर ला दो मुझे। अब अच्छी सुबह का आगाज जहर से तो नहीं किया जाता। हाँ नाश्ता बेहतर रहेगा, मैं अम्मी से कहकर अभी नाश्ता लगवाता हूं। सारा इस घर से रुखसत हो गई है, दोबारा मैं उसका नाम इस घर में नहीं सुनना चाहता। सर ये क्या कह रहे हैं आप? सारा को उस 2% के ड्राइवर के साथ रुखसत कर दिया आपने? ये तो सारा के साथ ज्यादती है। जो होना था हो चुका, अब बेहतर है हम इस मामले को वक्त और हालात पर छोड़ दें। और ये निकाह तलाक कोई बच्चों का खेल नहीं है। सर जहीन के साथ सारा कभी खुश नहीं रह सकती, ये 2 दिन की बात थोड़ी है, सारी जिंदगी का मामला है। तलाक का तौक टाल कर जीना भी तो आसान बात नहीं है। लोग तो ऑलरेडी सारा के बारे में बातें कर रहे हैं और तलाक तो सोने पे सुहागा हो जाएगी। और वैसे भी वो अपनी मर्जी से गई है जहीन के साथ। जहीन उसका शौहर है, उसकी मर्जी का शौहर। इस वक्त वो जिन हालात में है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। बेहतर होगा कि इस बार इस गलती का खुमियाजा हमारे साथ वो खुद भी भुगते। सर मैं किसी मशवरे के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन लेकिन मैं सारा को जहीन से तलाक दिलवा सकता हूं अगर आप हुक्म करें तो। ये देख हलवा पूरी, मैंने अनवर से ना खास तौर पे कह के दूसरे मोहल्ले से हलवा पूरी मंगवाई है, बहुत मशहूर है वहां की हलवा पूरियां। और शबाना ना तुम्हारे लिए आमलेट भी बनाकर लेकर आ रही है। अरे ओ शबाना जल्दी कर आमलेट ला, हमारी सारा बीबी को भूख लग रही होगी ना, है ना? हाँ, लो बेटा खाओ खाओ मेरा बच्चा खाओ। खाओ क्या खाओ? वो एक्चुअली मैं ये सब नहीं खाती। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि सारा ये सब कुछ नहीं खाती है। मैं आपके लिए ब्रेड लेकर आता हूँ। अरे जहीन ब्रेड में लेकर आया था। अरे ओ शबाना स्लाइस भी सेक के ले आना साथ। आ गई अम्मा। और तुम दोनों क्यों बैठे हो यहाँ पे, चलो उठो। अरे बैठे रहे इन दोनों, वो नाश्ता कर रहे हैं, क्यों उठा रही हो उन्हें? कोई जरूरत नहीं नाश्ता वाश्ता करने की, आप लोग करें नाश्ता, चलो उठो बैठ गए दोनों यहाँ नाश्ता करने। ये ले जी, ये रहा आपकी पसंद का नाश्ता। तुम्हारी अम्मी क्या कह रही थी? वलीमा, शादी की रस्में, तुमने उन्हें बताया नहीं था कि हमारा निकाह किन हालात में हुआ है? जिन हालात में हुआ तो हो गया, मैं उन्हें खुशियां मनाने से तो नहीं रोक सकता। अगर छोटी छोटी रस्मों से उन्हें खुशियां मिलती हैं तो इसमें हर व्हाट छोटी छोटी रस्में, जब मैं तुम्हें अपना शौहर और इस घर को अपना ससुराल ही नहीं मानती तो तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था और अब आखिरी बार समझा रही, अपनी हद में रहो, समझे? ओके ओके रिलैक्स, आप नाश्ता करें फिर मैं अम्मी से जाकर बात करता हूँ। ना कोई वलीमा होगा और ना ही कोई रस्म होगी, अब खुश हटो दूर रहो मुझसे। मेरे करीब आने की या मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश मत करना। अब जाकर अपने ये घर वालों की खुशफहमियां दूर करो। मैं इस घर में इसलिए नहीं आई थी कि मैंने इस रिश्ते को कबूल कर लिया है। तुम और मैं 2 अलग दुनियाओं के लोग हैं। मैं मर के भी इस घर में एडजस्ट नहीं कर सकती। तो फिर क्यों आई हैं आप यहाँ? किस्मत खराब थी मेरी जो आ गई मैं यहाँ। आपके पास ऑप्शन था इस रिश्ते से इनकार करने का, कल सबके सामने इस रिश्ते से इनकार कर देती। बात की तलखियों से बचने के लिए अच्छा है कि इंसान पहले ही सोच समझ कर फैसला कर ले। तुम्हारे दिल में तो खुशी से लड्डू फूट रहे होंगे ना, और तुम्हारे घर वालों को लग रहा होगा कि उनकी लॉटरी निकल आई है, तभी तो तुम्हारी माँ मेरी इतनी खातिर कर रही है। आपने जो चाहा जैसा चाहा वैसा हुआ,
मगर मेरे घर वालों की नीयत और खुलूस पर शक मत करें। उन्हें और मुझे आपके पैसे और स्टेटस से कोई दिलचस्पी नहीं है। और जहां तक मुझे याद है, ये निकाह तो आपकी मर्जी से हुआ है, मेरी मर्जी से तो नहीं। मैं तो फकत इसको संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे भी अपने अल्फाज जाया करने का कोई शौक नहीं है, ना मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ना इस घर की इज्जत। एहसन ने सारा को आग कर दिया है और अब जहीन उसका शोहर है। जितनी जल्दी हो सके तुम ये बात तस्लीम कर लो तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा, वरना सारा के साथ साथ तुम्हारे भी इस घर में आने जाने पे पाबंदी लगा दूंगी मैं। तुम होती को ना मुझे मेरे बाप के घर में आने से रोकने वाली। सारे खानदान को इकट्ठा करके ना एक एक को तुम्हारी असलियत बताऊंगी, देखना तुम। खानदान इकट्ठा करने की किसको धमकी दे रही हो बेला? मैं बीवी हूँ एहसन हयात की, ये घर है मेरा, भाग कर नहीं मैं कहीं से, समझी तुम? तुम्हें तो मैं देख लूंगी। ये सामान उठाकर सारा के कमरे में वापस रखो और अगर मेरी इजाजत के बगैर एक भी चीज इस घर से इधर से उधर हुई तो तुम्हें काम से फारिग कर दूंगी मैं, समझी तुम? जल्दी चलो। बेला बेटी आओ, आओ बेटा आओ। वो मैं सारा से मिलने आई हूँ। अच्छा जहीन बेटा जा उनको कमरे में ले जाओ, मैं तुम्हारी अम्मी से कह के ना कुछ ठंडा भिजवा देता हूँ। जी आइए। अच्छा आ जाओ। मुझे लोगों की बातों की परवाह नहीं और अब तू ना सच्चों का किस्सा बार बार ना दोहराया कर, जो होना था वो हो गया, गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। आपकी बात है जुलेखा, बेला बीबी आई है, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो भाई। अच्छा मैं हाथ धोकर आती हूँ, आप अनवर से कह दें कि बेकरी से ना समोसे और जलेबियाँ लेता हुआ है, ठीक है? ये तुमने क्या किया है सारा, क्यों किया ये सब अपने साथ? मैंने ये सब नहीं किया बेला, ये किस्मत मुझे यहाँ पर ले आई है। मुझे तो पता ही नहीं कि ये सब कैसे हो गया। मैंने तो अपनी जिद में आके बस जहीन से निकाह मैंने इसलिए किया था ताकि मेरी वहां से जान छूट जाए, मगर ये फैसला तो मेरे गले पड़ गया। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं बाबा को बहुत जल्द मनाकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी, ज्यादा देर रहने नहीं दूंगी तुम्हें यहाँ। पापा मुझे कभी वापस नहीं बुलाएंगे, वो मुझे नफरत करने लगे हैं, मुझे आग कर दी है, मुझे वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तुमने भी तो बहुत दिल दुखाया ना उनका, तो मैं और क्या करती, वो आज और शाजमा की कठपुतली बन जाती। बाबा ने मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ा था। तो कर लेती ना वहाज के साथ शादी, मान लेती उनकी बात। ये तुम क्या कह रही हो बेला, सब कुछ जानते समझते हुए भी तुम मुझे ये कह रही हो? वो जिंदगी कम से कम इस जिंदगी से तो बेहतर होती, मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रहा कि तुम चंद दिन भी यहाँ कैसे गुजारा करोगी, तुम्हें आदत नहीं इन सब चीजों की, इस छोटे से घर में इस ऐसे माहौल में कैसे गुजारोगी अपनी जिंदगी? बाबा वाकई बहुत बदल गए हैं, उनको मेरे यहाँ आने के बारे में इल्म नहीं है, वरना वो मुझे कभी यहाँ ना आने देते और ना ही सारे। तो तुम मुझे यहाँ से लेने नहीं आई? सारा मैं इस वक्त तुम्हें यहाँ से नहीं लेकर जा सकती, सारिम के पेरेंट्स आए हुए पाकिस्तान, जैसे ही वो लोग वापस जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊं। कैसी बहन हो तुम बेला, अपनी बहन को इन मुश्किल हालात में देखते हुए भी तुम्हें अपने ससुराल वालों की पड़ी हुई है। सारा तुम गलत समझ रही हो, मेरा ये मतलब नहीं है। बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ मैं तुम्हारा मतलब, तुम बेफिक्र रहो, आज के बाद मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं करूंगी,
किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी या रेंट पे कोई अपार्टमेंट ले लूंगी। प्लीज नाराज मत हो, थोड़ा सा सब्र कर लो मेरी जान, मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। तुम कुछ नहीं कर सकती बेला, कुछ नहीं कर सकती मेरे लिए। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो सारा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ये लो अपना हैंडबैग, इसमें तुम्हारा डेबिट कार्ड और कुछ पैसे भी हैं, रख लो। मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है बेला, तुम अपने हस्बैंड के डर से मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अब मुझे खुद के लिए कुछ करना होगा। मैं ले जाऊंगी तुम्हें, मुझे अब जाना होगा, मैं बहुत जल्द आऊंगी तुम्हें लेने। अम्मी सारा कहाँ है? अपने कमरे में होगी, और कहाँ होगी? मुझे कहते हैं जी हीरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।